आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। 10 जून को उच्च सदन केंद्र का चुनाव होना है, उच्च सदन यानी राज्यसभा का चुनाव होना है और इस राज्यसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में इस बार 11 सीटें हैं। 11 सीटों पर 10 ऐसी प्रमुख सीटें हैं जिन पर कैंडिडेट्स फाइनल भी हो गए हैं और उनका जीत कर जाना भी लगभग तय है। एक सीट ऐसी है जिस पर चुनाव हो सकता है। ये एक सीट पर कैंडिडेट कौन घोषित करेगा ये भी देखना है हमें। जो भी घोषित करता है वो अपने कैंडिडेट को जिता ले जाएगा अगर दूसरी तरफ से कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं होता है तो। मान के चलिए अगर समाजवादी पार्टी की तरफ से या उनके गठबंधन की तरफ से या उनके सपोर्ट से 3 कैंडिडेट्स फाइनल हुए हैं, 3 प्रत्याशी फाइनल हुए हैं और बीजेपी की तरफ से 7 प्रत्याशी फाइनल हो चुके हैं, 6 का नाम सामने आ गया है, 1 का नाम और सामने आना है और इसके अलावा अगर बीजेपी की तरफ से एक और कैंडिडेट यानी 8वां कैंडिडेट उतारा जाता है और समाजवादी पार्टी उसके अगेंस्ट कोई कैंडिडेट नहीं उतारती है तो वो कैंडिडेट जीत करके राज्यसभा चला जाएगा। और अगर समाजवादी पार्टी की तरफ से 4था कैंडिडेट भी उतारा जाता है तो ऐसे में 11वीं सीट के लिए लड़ाई होगी, अहम होगी। कौन जीतेगा ये देखना है, अहम है। लेकिन अभी तक इस पर किसी भी तरह से जो सवाल है वो खड़े नहीं हुए हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी ये चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं कि क्या वो 4था कैंडिडेट उतारेंगे या नहीं उतारेंगे। फिलहाल ये लड़ाई जो है वो काफ़ी अहम होगी। कल बीजेपी के कैंडिडेट्स जो हैं वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। सपा गठबंधन या सपा सपोर्टर्स या सपा के सपोर्ट से जो कैंडिडेट्स फाइनल हुए हैं उनका लगभग नामांकन हो गया है 3 कैंडिडेट्स का। लेकिन इन सबके बीच में जो राज्यसभा चुनाव की लड़ाई है वो काफ़ी अहम उत्तर प्रदेश में है क्योंकि उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जहां से 80 लोकसभा की सीटें आती हैं और यहां पर अगर 80 लोकसभा सीटों में कोई भी राजनीतिक दल बेहतर करना चाहता है केंद्र के लिए तो उसे इस 80 सीटों पर बेहतर समीकरण के साथ साथ जनता को अपने पक्ष में लाना बहुत जरूरी है। 2 बार से बीजेपी ये करती हुई नजर आ रही है। इस बार का विधानसभा चुनाव भी बीजेपी ने जीत लिया है, मतलब उन्होंने 3 लड़ाइयां लगातार उत्तर प्रदेश में जीत ली है और अब 4थी लड़ाई जो है वो 24 की हो सकती है जिसमें कहीं ना कहीं बीजेपी काफी मजबूत दिखाई दे रही है। कल बीजेपी की तरफ से 6 कैंडिडेट्स का नाम फाइनल किया गया है। उन 6 कैंडिडेट्स के अगर पोर्टफोलियो पर नजर डाली जाए या फिर बीजेपी के ब्रॉड माइंड या फिर सोच पर नजर डाली जाए तो कहीं ना कहीं इन कैंडिडेट्स में उन लोगों का नाम शामिल है जिन पर कुछ लोगों को उम्मीद थी और कुछ ऐसे नाम शामिल हैं जिनकी उम्मीद किसी को नहीं थी। इस कैंडिडेट की लिस्ट में, इन प्रत्याशियों की सूची में जात का पूरा समीकरण भिड़ाने की कोशिश जो है वो की गई है। ब्राह्मण हो गया या फिर पिछड़ा वर्ग हो गया, निषाद समाज हो गया, इन सभी जातियों के समीकरण से प्रत्याशी उतारे गए हैं और इसके साथ साथ महिलाओं पर भी फोकस किया गया है। 6 में से 2 सीटों पर महिला कैंडिडेट्स को उतारा गया है। कई ऐसी प्रमुख सीटें रही हैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव के दौरान जो बीजेपी ने जीती हैं और जीत के बाद वहां से जिस तरह से उत्तर प्रदेश में दूसरी बार लगातार सरकार बना करके बीजेपी सत्ता चला रही है, ऐसे में साफ तौर पर उनके लिए 24 की लड़ाई काफी अहम है और उस लड़ाई के पीछे वो बिल्कुल से लगे हुए हैं। ऐसे में महिलाओं की भागीदारी पर सवाल उठ रहे थे लेकिन राज्यसभा में कैंडिडेट फाइनल करने के बाद ये सवाल भी कहीं ना कहीं साफ हो गया है कि बीजेपी महिलाओं को भी आगे बढ़ाने में पूरी तरह से लगी हुई है और इसी वजह से 2 महिलाओं के नाम 6 में से बीजेपी ने घोषित किए हैं। इसके अलावा लक्ष्मीकांत वाजपेयी का नाम है, दर्शन सिंह का नाम है, राधा मोहन दास अग्रवाल का नाम है। राधा मोहन दास अग्रवाल विधानसभा में कभी अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए नजर आते थे और ये कहा जाता था कि वो जनता के मुद्दों को लेकर के हमेशा सरकार के खिलाफ भी खड़े होते हुए दिखाई दिए हैं। ये भी कहा गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनकी काफ़ी नाराजगी भी थी लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने अपनी जो सीट थी उसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए छोड़ दिया था, गोरखपुर की शहर की सीट जहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव जीत कर आए हैं और उसी का ही कहा जाए तो एक इनाम जो है वो राधा मोहन दास अग्रवाल को राज्यसभा भेज करके बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है।
उधर दूसरी तरफ अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो उनके खाते में 3 सीटें हैं, वो अपने 3 कैंडिडेट्स को जिता करके राज्यसभा भेज सकती है, लेकिन इन 3 सीटों में से सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति है जो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर जीत करके राज्यसभा जाएगा, जावेद अली उनका नाम है। बाकी के जो दो कैंडिडेट्स हैं उसमें एक कपिल सिब्बल है जो समाजवादी पार्टी के सदस्य नहीं है, वो समाजवादी पार्टी के सपोर्ट से जीत करके राज्यसभा जाएंगे, और आज जयंत चौधरी जो कि इस पूरे गठबंधन के अहम सदस्यों में से शामिल हैं, उन्होंने भी राज्यसभा के लिए अपना नामांकन कर दिया है, और उन्होंने कहा है कि हम उत्तर प्रदेश किसानों बेरोजगारों की आवाज जो है वो राज्यसभा में बुलंद करेंगे। तो 3 में से 1 सीट जो है वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर उनके कैंडिडेट जीत करके राज्यसभा के लिए जाएंगे। तो यहां पर यह भी सवाल है कि आखिर इन कैंडिडेट्स का जो नाम है या फिर इन पर विचार विमर्श जो चर्चा है वो कैसे और किस समीकरण के तहत करी गई है, हम इस डिबेट के जरिए जानने की कोशिश करेंगे। उधर कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश से किसी भी राज्यसभा प्रत्याशी को राज्यसभा नहीं भेज सकती थी क्योंकि उनके पास उतने विधायक नहीं थे। बहरहाल उन्होंने उत्तर प्रदेश के 3 प्रमुख कांग्रेस के नेताओं को दूसरे राज्यों से राज्यसभा भेजने की तैयारी कर ली है। उनके नाम भी कल फाइनल हो गए हैं, उसमें प्रमोद तिवारी का नाम है, कई बार MLA रह चुके हैं, उनकी एक प्रमुख सीट रही है जहां से अब उनकी बेटी आराधना मिश्रा जीत करके आ रही हैं, और अब राज्यसभा जाने के लिए प्रमोद तिवारी का नाम घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा राजीव शुक्ला का नाम घोषित किया गया है और इमरान प्रतापगढ़ी का नाम घोषित किया है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि विधानसभा चुनाव के दौरान जब महिलाओं की बात प्रियंका गांधी की तरफ से कही जा रही थी, जब ये कहा जा रहा था लड़की हूं लड़ सकती हूं, हम 40% महिला कैंडिडेट्स घोषित करेंगे, तो आखिर क्या उत्तर प्रदेश में उनको कोई भी ऐसी महिला कांग्रेसी नहीं दिखाई दी जो इस लिस्ट में शामिल हो सकती थी? ये सवाल भी बनता है। इन सब विषयों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। फिलहाल आप जयंत चौधरी का वो बयान सुनिए जब उन्होंने अपना आज नामांकन दाखिल किया, और उसके बाद अब आगे की क्या रणनीति रहेगी, क्या समाजवादी पार्टी या बीजेपी की तरफ से 8वां और 4वां कैंडिडेट भी घोषित किया जाएगा, क्या होगा आगे का समीकरण, बयान के बाद मैं इस मुद्दे पर चर्चा करता हूँ। प्रदेश की जनता ने और जो जी ने समाजवादी पार्टी ने और गठबंधन के दलों ने दिया है वह हमेशा याद रहेगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो भी है उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि के तौर पे। मैं राज्यसभा के सदस्य में अपनी गिनती करना चाहता हूँ। जो यहाँ के मुद्दे हैं, जो यहाँ के किसानों के मुद्दे हैं, जो नौजवानों के मुद्दे हैं, हमारे साझे मुद्दे हैं, पुरजोर तरीके से उनको उठाने का प्रयास करें। दिखावा तो बहुत बड़ा होगा और मकर जाल में बताया जाएगा कि बेहतरीन बजट है, लेकिन वास्तविक तौर पर जो बुनियाद है, जो प्रदेश की जड़ें हैं, शिक्षा, किसान, ग्रामीण विकास, तीनों विषयों पर हम पिछड़ रहे हैं। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान है वो जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनसे आपको रूबरू कराता हूं, फिर इस डिबेट को मैं शुरू करूंगा। हमारे साथ आरिफ खान साहब बीजेपी से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा रविंद्र सिंह पटेल हमारे साथ RLD से जुड़े हुए हैं, मयंक यादव हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, और प्रदीप तिवारी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। कुछ और मेहमान अब से थोड़ी देर में हमसे जुड़ेंगे, फिलहाल इस चर्चा को शुरू करता हूँ। आरिफ भाई, सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगा, अहम जिम्मेदारी थी आप लोगों के ऊपर, विधानसभा चुनाव आप लोगों ने जीता काफ़ी मेहनत के साथ, अब बारी राज्यसभा चुनाव की है क्योंकि 24 का जो खाका है वो भी तैयार करना है। ऐसे में राज्यसभा के कैंडिडेट्स आपके काफ़ी मजबूत हैं, संख्या उनकी ज़्यादा है, लेकिन क्या आप लोगों की तरफ से 8वां कैंडिडेट भी घोषित किया जाएगा? आज जयंत चौधरी ने अपना नामांकन किया है, उन्होंने कहा है कि बजट बंटवारा है, उन्होंने कहा कि मैं राज्यसभा में जाकर किसानों की बात को बुलंद करूँगा, क्या कहना है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा कि आपने हमको इस अहम मुद्दे पर अपने साथ में जोड़ा। और भारतीय जनता पार्टी की बात अगर हम करें तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो भी प्रत्याशी गए हैं उन सभी को बधाई शुभकामनाएं दो। जैसा कि आपने बताया जयंत चौधरी जी ने कहा, वालों को कहेंगे, बाकियों को भी दे दीजिए बधाई भाई, सभी को बधाई दे रहा हूँ, विशेष में भाजपा के लोग हैं क्योंकि जब जो जिसका दल होता है बधाई के पास ज्यादा आत्मवही होते हैं, लेकिन सभी को बधाई क्योंकि देश आजाद है, हर आदमी को एक दूसरे से मिलना जुलना कहीं को नहीं लगता। बधाई, मैं बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से किसानों की बात। भारतीय जनता पार्टी की सरकार डबल इंजन की सरकार, माननीय मोदी जी योगी जी
किसानों के लिए जो कर रहे हैं कोई नहीं कर रहा। अभी पिछले समय में आपने देखा कि कुछ लोगों ने किसानों को गुमराह कर दिया और उनको लाकर सड़क पर बैठा दिया। कौन लोग थे? जबकि भारतीय जनता पार्टी कौन लोग थे वो? किसानों के हित के लिए आरी भाई आवाज मिल रही है? कोई पार्टी नहीं कर रही। आरी भाई कौन लोग थे वो? बस यही विपक्षी दल के लोग। सबसे पहले तो मैं दोषी कांग्रेस को बताऊंगा। कांग्रेस पार्टी के लोग सदैव लोगों को गुमराह करते चले आ रहे हैं। अच्छा। देश की आजादी से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ जात पात की बात करके देश में दीवार खड़ी करने की बात कर दी। आज उसको देश भुगत रहा है। लेकिन माननीय मोदी जी और योगी जी, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, उत्तर प्रदेश भारत देश में सबसे बड़ा प्रदेश है, इसलिए प्रदेश की बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश और देश में एक जो माहौल खराब करने की जो प्रक्रिया इन पार्टियों ने, कांग्रेस हुई, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, तो ये करते करते समाप्ति हो गई है। अभी ये दो दल बाकी है, ये दो दल मान नहीं रहे। जबकि बजट अभी पिछले दिनों में बजट आया, उसमें किसान भाइयों के लिए बड़ी बड़ी व्यवस्था के लिए बजट दिया गया है। क्योंकि उत्तर प्रदेश भी हमारे किसान भाइयों का प्रदेश है, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा खेती किसानी का काम होता है। बजट की बात कर रहे हैं आरिफ भाई, बजट की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव आज सदन में बोल रहे थे कि बजट नहीं बंटवारा है, किसी का भला नहीं इस बजट से हो सकता है। अखिलेश यादव जी के पास दूसरा कोई बात रह नहीं गई, कोई मुद्दा नहीं है। ये वही अखिलेश यादव जी हैं जिन्होंने पिछले अपनी सरकार के दौरान कोई काम नहीं किया, सिर्फ उन्होंने एक एक्सवे बनवा दिया है, जो हाईवे बनाया, उस बात पर ये चुनाव लड़ रहे थे। जनता को चाहिए काम, रोजगार, किसान, खेत, सबकी व्यवस्था होनी चाहिए, जो की माननीय मोदी जी ने 2014 से मिशन थामा आज तक लगातार करते चले आ रहे हैं। अच्छा, जयंत चौधरी भी जा रहे हैं, जयंत चौधरी भी जा रहे हैं राज्यसभा, क्या कहेंगे? कह रहे हैं मैं किसानों की बात, चौधरी जी जा रहे हैं, ठीक है, राज्यसभा पहुंचे, बात उठाएं, लेकिन जो काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो कोई भी नहीं कर सकता, ना जयंत चौधरी कर सकते हैं, ना कोई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी छोटे तबके से उठकर बड़े लोगों तक उसका लाभ पहुंचाती है, क्योंकि ये जमीनी पार्टी है, इसमें जो लोग हैं वो निचले स्तर का भला चाहते हैं, ना कि सिर्फ हवा हवाई वाली बातें करना। ठीक ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास। मयंक यादव हमारे साथ समाजवादी पार्टी से। मयंक भाई, आरिफ खान कह रहे हैं कि आप लोग एक्सप्रेसवे के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, आप लोगों ने एक निर्माण क्या करा दिया, सोचा चुनाव जीत जाएंगे, जनता ने आपको बता दिया, बजट में किसानों के लिए बहुत कुछ है, आपको दिखाई नहीं दे रहा। मैं क्या, तो आवाज मिल रही है आपको मेरी? आरिफ भाई को जानकारी करनी चाहिए कि इनकी पार्टी ने जनहित के कितने काम किए और समाजवादी पार्टी ने कितने जनहित के काम किए। इनको एक एक्सप्रेसवे याद है, वो भी शायद सही से ये बोल नहीं पाए। एक्सप्रेसवे के अलावा मेट्रो बनी, इंटरनेशनल स्टेडियम बना, जिसका नामकरण पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर किया गया, वो भी समाजवादी सरकार में बना। और उसी जगह की मैं बात बताता हूँ, डायल 100 जो हिंदुस्तान का सबसे अच्छा रिस्पांस सिस्टम है, वो अखिलेश यादव जी ने दिया, उसका भी हेड ऑफिस वहीं पर है, पुलिस मुख्यालय वहीं पर बना जो समाजवादी सरकार में ही बना, वहीं पर आईटी सिटी बनी, वहीं पर अमूल और पराग के प्लांट बने। तो आरिफ जी को अगर मैं गिनवाने बैठूंगा तो आरिफ जी को सुबह से लेकर शाम हो जाएगी, लेकिन समाजवादी के काम जो अखिलेश यादव जी के मात्र 5 साल की सरकार में हुए उनका जवाब ये नहीं दे पाएंगे। और जवाब ये किस बात का भी नहीं दे पाएंगे, इनके माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जनहित के कौन से काम किए? इनके मुख्यमंत्री महोदय ने सिर्फ वही काम किए जिनसे समाज का बंटवारा हो, देश का बंटवारा हो। और रही बात बजट की अगर आती है, तो बजट के मामले में तो अखिलेश यादव जी ने भी कहा, जयंत जी ने भी कहा, ये बजट नहीं बंटवारा है, बंटवारा इस चीज का है विभागों के नाम पर जो इन लोगों ने किया, वो सब इनका जो बजट था वो बजट विभागों का बंटवारा था, और जो विभागों में बजट जाएगा, बजट विभागों में जाने के बाद वो इनके मंत्री विधायकों में बढ़ जाएगा। अच्छा, ये तो राज्यसभा के लिए 4 नाम आप लोग करेंगे घोषित कि 3 ही रहेंगे? देखिए, फिलहाल अखिलेश यादव जी ने 3 नामों के लिए जो घोषणा थी वो कर दी है। तो 3 वैसे भी तो एक आपके पार्टी सिंबल पे है, बाकी तो है ही नहीं। देखिए, साथ में है इनके, कोई अखिलेश यादव जी से छोड़ दिया साथ इनके। आप और आरिफ जी भी ये जानकारी करें कि अखिलेश यादव जी ने जिन जिन पार्टी से गठबंधन किया और जिन जो समाजवादी पार्टी, जनता ने साथ छोड़ दिया है, वैसा
जनता ने साथ छोड़ दिया लेकिन हमने जनता का साथ नहीं छोड़ा, हमारे कई गठबंधन साथियों ने हमारा साथ छोड़ दिया लेकिन हमने नहीं छोड़ा था, वो छोड़ के भागे। तो अखिलेश यादव जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए दोस्ती का, जो दोस्ती होती है दोस्ती निभाते हुए माननीय जयंत चौधरी जी को राज्यसभा भेजने का फैसला लिया और कपिल सिब्बल साहब को राज्यसभा भेजने का फैसला किया, क्योंकि राज्यसभा में कपिल साहब की मौजूदगी बहुत ही जरूरी है, चाहिए था राज्यसभा में, बढ़िया अच्छे वकील हैं, वकालत के लिए किया है, अरे भाई अपनी टर्न पे प्लीज, मैं आऊंगा आपके पास, सुन लीजिए पहले फिर। हाँ ठीक है। और जावेद अली खान साहब समाजवादी पार्टी के मजबूत स्तंभ हैं, तो समाजवादी पार्टी का जो फैसला है वो अपने गठबंधन साथियों को साथ लेकर चलने का फैसला है, और भारतीय जनता पार्टी ने अपने गठबंधन साथियों में किसको भेजा है? भारतीय जनता पार्टी इस चीज का जवाब देगी कि उनके तो कई गठबंधन है, कई देशों के, प्रदेश के कई राज्यों में उनके जो गठबंधन है उनमें से इन लोगों ने किसको भेजा? ये लोग खाली लेना जानते हैं। अखिलेश यादव जी बड़े दिल दिखाते हैं और बड़ा दिल दिखाते हुए अपने जो जो भी साथी हैं उनका सम्मान रखते हैं। उनके पास अगर मजबूत वोट नहीं है, मजबूत सीटें नहीं है राज्यसभा जाने की, इसका मतलब ये नहीं कि हमसे दोस्ती है तो वो राज्यसभा ना जाए। हमारा उनका गठबंधन है और एक अच्छे रिश्ते हैं, तो अच्छे रिश्तों का मतलब ये होता है कि आप उस दोस्ती को, उस गठबंधन को निभाएं। कभी आपको झुकना पड़ता है, कभी आपको खड़े रहना पड़ता है, ठीक है। तो हम हर परिस्थिति में अपने गठबंधन के साथियों के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे। ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास। प्रदीप तिवारी हमारे साथ कांग्रेस से। प्रदीप जी, ये आरिफ महमूद क्यों, आरिफ खान क्यों कह रहे हैं कि आप लोग जब भी सत्ता में आए हैं आप लोगों ने जात को बांटने की कोशिश की, देश को बांटने की कोशिश की, राज्यसभा चुनाव पर मैं सवाल पूछ रहा हूँ, ये बता कुछ और रहे मुझे? देखिए, भारतीय जनता जिस तरीके की राजनीति करती है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी उससे अछूते तो रहेंगे नहीं। इनका काम ही है कि राजनीति का अगर आधार देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की तो वो है किस तरीके से लोगों को बांटो और देश पे राज करो। एक गोरे थे जो देश में बांट करके लोगों को राज करने का काम करते थे, वो चले गए, मगर ये दूसरे उन्हीं के पद चिन्हों पे चलने वाले लोग तैयार हो गए हैं कि किस तरीके से देश में उन्माद फैले, किस तरीके से लोगों को बांटा जाए और उसका लाभ सत्ता को पाने के लिए किया जाए। तो ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, तो ये जाहिर सी बात इनका धर्म और इनकी निष्ठा भी पार्टी के प्रति है, तो ये जाहिर सी बात है उन्हीं सब बातों को लेकर के चलेंगे। ठीक है। और अच्छा, एक चीज है प्रदीप भाई, लेकिन कोई भी कह ले कि बीजेपी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन इस बार आप लोगों ने भी मैनेजमेंट बड़ा तगड़ा किया है। तीन नाम आप उत्तर प्रदेश से भेज रहे हैं राज्यसभा के लिए और चौथा आपने समाजवादी पार्टी से भेजवा दिया कपिल साहब का। नहीं, देखिए ये कपिल, इसको मैनेजमेंट ना कहूं तो क्या कहूं? मैनेजमेंट आप देखिए जो कहना चाहे वो कह सकते हैं, जो सफल हो जाता है उसका मैनेजमेंट अच्छा कहा जाता है, अगर राजनीति में जो सफल नहीं है। ये समझ नहीं आया ना, आरिफ खान को नहीं समझ आया कि ये हो कैसे गया। बताऊंगा कैसे हो गया, ये तो समाजवादी पार्टी से पूछना चाहिए। कपिल सिब्बल साहब ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अब वो कांग्रेस के सदस्य नहीं है तो मैं उनके विषय में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता कि वो क्यों गए हैं, क्यों समाजवादी पार्टी ने उनको बिना सिंबल के टिकट दिया, उन्होंने समाजवादी पार्टी नहीं ज्वाइन करी। ये समाजवादी पार्टी और कपिल सिब्बल के बीच के अंडरस्टैंडिंग है किस वजह से वो उनको भेज रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने जो कांग्रेस पार्टी के लिए निष्ठा करते थे, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में आस्था रखी, कांग्रेस पार्टी के लिए लंबे समय से काम किया है, कांग्रेस पार्टी उनको राज्यसभा भेजकर भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों का विरोध राज्यसभा में भी अच्छे से हो सके, ऐसे लोगों को राज्यसभा में भेज रही है जिससे भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का वहां पे विरोध किया जा सके। ठीक है, आरिफ खान कुछ कह रहे थे आप जी, जल्दी से पूरी कीजिए फिर मैं आगे बढ़ूंगा। एक आपने कहावत सुनी होगी, चोर चोर मुसरे भाई, ये प्लान किया जा रहा है। अच्छा, ये प्लान बना के ये जहाँ घंटा कोई मिल नहीं रहा, बात कांग्रेस पे, हमारे आप करो तो वो चोर चोर मुसरे भाई नहीं है। अगर कांग्रेस के साथी बात कर रहे हैं, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने हिंदू मुस्लिम की बात पहल इसी कांग्रेस पार्टी ने करी है। बाबरी मस्जिद का ताला खुलवा कर देश में अशांति फैलाने का काम अगर किसी पार्टी ने किया तो कांग्रेस ने, आज उसका भुक्तभोगी तमाम लोग भुगत रहे हैं। ये वही पार्टी के लोग, राजीव गांधी जी अगर ताला ना खुलवाते तो ये मुद्दा नहीं पैदा होता, उसी दिन से माहौल खराब शुरू हो गया। ये क्या बात करेंगे, बताते हैं राजीव गांधी ने काम किया, काम किया होता तो आज आपका अस्तित्व होता है। ठीक है, अरे भाई आ गई बात आ गई। प्रदीप जी देखिए कुछ कह रहे हैं, प्रदीप जी क्या कह रहे हैं?
जल्दी से बात पूरी कीजिए, मैं कह रहा हूँ कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने टीवी चैनल पे बैठ करके स्वीकार किया कि भारतीय जनता पार्टी जिसको हमेशा डिनायल करती है, जिसको हमेशा अस्वीकार करती है कि मंदिर को लेकर के कांग्रेस पार्टी हमेशा विरोध में रही। आज मैं बहुत बहुत आभारी हूँ अपने मित्र का कि उन्होंने स्वीकार किया कि मंदिर मुद्दे को लेकर के भी कांग्रेस पार्टी ने और जब भी जिस तरीके की नीति बनी राजीव गांधी जी ने उस नीति के तहत ताला खुलवाने का काम किया, उसमें प्रथम कदम था वो राजीव गांधी के द्वारा उठाया गया था। ठीक है प्लीज, ठीक मैं आता हूँ, मैं आता हूँ आप लोग के पास आता हूँ। रविंद सिंह पटेल हमारे साथ अरेली से। रविंद भाई, राज्यसभा का चुनाव है और जिसको लेकर के विधानसभा के चुनाव में आप लोग समाजवादी पार्टी के साथ गए थे, शायद आज वो टारगेट आप लोगों का पूरा हुआ। जयंत जी, आप राज्यसभा जाएंगे, पार्टी का और उत्तर प्रदेश की समस्याओं को उजागर करेंगे, बताएंगे, ऐसा उन्होंने बोला भी है। बजट को लेकर के बोल रहे थे कि बजट नहीं बंटवारा है, किसानों के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही, कुछ नहीं सोच रही, क्यों ऐसा? आरिफ खान तो कह रहे हैं बहुत कुछ है किसानों के लिए और बाकियों के लिए। देखिए, मैं बड़े गौर से सुन रहा था, आरिफ खान साहब ने कहा कि हमें जो करना आता है हम जो कर रहे हैं, जिस तरीके से हमने किया है वो कोई और कर नहीं सकता। तो ये इस बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। पहली बार भारतीय जनता पार्टी किसी प्रवक्ता से मैं सहमत हूं कि जो ये कर रहे हैं और जो इन्हें करना आता है उतनी अच्छी तरीके से, उतनी अच्छे तरीके से कोई दूसरा कुछ फूट डाल ही नहीं सकता, दूसरा कोई झूठ बोल ही नहीं सकता। जितनी अच्छी तरीके से ये झूठ बोल लेते हैं, जितने अच्छे तरीके से ये बात का बतंगड़ बना लेते हैं, उतनी अच्छे तरीके से कोई कुछ नहीं कर सकता। किसी अन्य दल में इतनी हैसियत, कितनी ताकत, कितनी सोच है ही नहीं। अब मैं आता हूं आज माननीय जयंत चौधरी जी के नामांकन और उनके बयान पे। देखिए, जो विधानसभा चुनाव में गठबंधन हुआ, ये उससे पहले 2019 की लोकसभा में भी हम समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थे और यह गठबंधन न सिर्फ गठबंधन है बल्कि यह स्वाभाविक गठबंधन है, क्योंकि समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं की जो सोच है, जो कार्य पद्धति है, वो उसका जो मूल स्रोत है वो श्रद्धेय किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जी से जुड़ता है। चौधरी चरण सिंह जी के एक वारिस थे, एक राजनीतिक वारिस थे। आज उनकी तीसरी पीढ़ी आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय जयंत चौधरी जी के रूप में काम कर रही है और यह जोड़ी लोकसभा का चुनाव लड़ती है, विधानसभा का लड़ती है और अब आज राज्यसभा में भी जयंत चौधरी जी ने नामांकन किया। देखिए, राज्यसभा एक उच्च सदन है और आज जैसा कि मैं जयंत जी के साथ था और जयंत जी ने जब मीडिया से बात की तो उन्होंने कहा कि मैं जब लोकसभा का सदस्य था तो मैं अपने क्षेत्र का नेता था और मुझे वहां की जवाबदेही थी। आज मेरी जवाबदेही बढ़ गई है, आज मैं पूरे उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व बनके राज्यसभा में जा रहा हूँ, मेरी जिम्मेदारी बड़ी हो रही है और मैं ऐसे में उम्मीद करता हूँ कि मैं कुछ बेहतर कर पाऊंगा। उन्होंने बताया कि हमारी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय चौधरी अजीत सिंह जी अपनी राजनीति की शुरुआत राज्यसभा से किए, राज्यसभा में विशेष योग्यता के लोग होते हैं, कोई ना कोई, कोई कला के क्षेत्र में है, कोई विज्ञान के क्षेत्र में है, कोई राजनीति के क्षेत्र में है, उसमें स्पेशलिस्ट लोग बैठे होते हैं, तो जैन जी को सीखने का मौका मिलेगा। और एक मैं बात यहां और कहना चाहूंगा कि अखिलेश यादव जी ने जो बड़ा दिल दिखाया उसके लिए हम, हमारी पार्टी की तरफ से, अपने नेता की तरफ से आदरणीय अखिलेश यादव जी का और उनकी पूरी पार्टी का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने निश्चित तौर पे एक मित्रता का धर्म निभाया और बड़े दिल से उन्होंने स्वीकार किया कि देश के सदन में किसानों की बुलंद आवाज के रूप में चौधरी साहब पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश के किसानों का कुछ भला होगा। ठीक है, आरिफ खान कह रहे थे चोर चोर मौसेरे भाई ये सब आपस में मिले हैं। देखिए, संसदीय भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए। मैं आपके चैनल पे ये बोल रहे थे, मैं इस बात को, देखिए ये संस्कारों पर निर्भर है, ये अपने 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 संस्कारों की बात है। आरिफ भाई एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट आरिफ भाई सुन लीजिए पहले, फिर मैं आता हूं। ये अपने अपने संस्कारों की बात है, ये अपने अपने संस्कारों की बात है। बड़े खेत का विषय है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ठोक दो कहते हैं। और देखिए, हम राजनीति में एक आदर्श प्रस्तुत करने आए हैं। यह भारतीय जनता पार्टी आज की पार्टी नहीं है, इसके पूर्व के नेताओं की भाषा देखिए, चाहे अटल जी की हो, आडवाणी जी की हो, राजनाथ जी की हो, बड़ी संयमित, बड़ी नपी तुली बात करते हैं। लेकिन आज की भाषा क्या है? अभी जो भाषा ये उठा रहे थे, जो इन्होंने अभी विधानसभा का जिक्र करेंगे, मुझे मालूम है, मैं उस पर पहले ही बोल दे रहा हूं कि ये बात नहीं किया। आपको जनता ने अवसर दिया है, आप अपना बेहतर दीजिए,
ठीक है। और मैं आपको एक सवाल का जवाब चुकी मेरे से छूट जाएगा, अभी बात कर रहे थे किसानों के लिए इस बजट में बहुत कुछ है, मैं आरिफ भाई से पूछना चाहता हूं, चूंकि मैं किसान राजनीति का एक प्रवक्ता के तौर पे यहां बैठा हूं आपके चैनल पे, आप मुझे बता सकते हैं कि जो बजट है उस बजट में खेती या खेती से जुड़ी विषय वस्तु पे कितने परसेंट बजट का प्रावधान किया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने, कितने परसेंट दिया? आप ही बताइए, सवाल तो आप उठा रहे हैं, आप बताइए। ठीक है आरिफ भाई, आरिफ भाई मैं आता हूँ आपके पास, आता हूँ, ये पूछूंगा जरूर आपके माध्यम से, मैं आता हूँ, इस सवाल का जवाब आपसे पूछा जाएगा। सुरेश मिश्रा हमारे साथ जर्नलिस्ट हैं। सुरेश भाई, राज्यसभा का चुनाव है, बीजेपी 7 कैंडिडेट्स को जिता करके भेज सकती है, समाजवादी पार्टी 3, कांग्रेस ने भी उत्तर प्रदेश के 3 मजबूत चेहरों को अलग अलग राज्यों से भेजने की तैयारी करी है, नाम भी फाइनल हो गए हैं, 24 के चुनाव पर इसका कितना असर पड़ेगा, और क्या जो कैंडिडेट्स बीजेपी की तरफ से फाइनल किए गए हैं वो पूरे मूल मंथन के साथ किए गए हैं, चाहे वो जात का समीकरण हो या फिर क्षेत्र का समीकरण हो, और क्या उसी तरह से कांग्रेस में और समाजवादी पार्टी में भी हुआ है? देखिए, मैं आपको स्पष्ट तौर पे बता दूं, बहुत ही चुनाव को लेकर के जो 2024 की जो एक समीकरण उत्तर प्रदेश को लेकर के खासकर कैंडिडेट का चयन किया गया है, कांग्रेस की अगर बात करें तो 2 चेहरे यहाँ उत्तर प्रदेश से अलग अलग राज्यों से उन्होंने चुना है, चाहे वो इमरान प्रतापगढ़ी हो, कवि हैं, अच्छा चेहरा है कांग्रेस से, तो उनको भी जगह दी गई है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा ओबीसी और ब्राह्मण कार्ड खेला है, जो पिछले लगभग 2017 के बाद से कहें 16 से, क्योंकि 17 में भी मेरठ से चुनाव हार गए थे, खास चेहरा लक्ष्मीकांत वाजपेयी, उत्तर प्रदेश के नामी गिरामी चेहरे हैं, ब्राह्मण चेहरे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी उनका अच्छा खासा वर्चस्व रहा है। पिछले काफ़ी समय से वनवास नहीं कहेंगे, लेकिन वो मुख्य धारा में नहीं थे, वो अलग बात है, कुछ समितियों के वो अध्यक्ष रहे और 2017 में वो चुनाव लड़े लेकिन हार गए। 2016 में जब केशव प्रसाद मौर्य के उपप्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, तब से वो साइडलाइन थे, कहीं ना कहीं वो मुख्य धारा से दूर थे, तो उनको भी कहीं ना कहीं उनकी वापसी हुई है, इससे भी उत्तर प्रदेश में एक बड़ी ब्राह्मणों के में एक जो नाराजगी थोड़ी जो थी लक्ष्मीकांत वाजपेयी को लेकर, क्योंकि लक्ष्मीकांत वाजपेयी वो चेहरा है जो 2014 में जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 77 लोकसभा सीटें जीती थी, 80 में से 73, उत्तर प्रदेश में सबकी नज़र है, आप समझिए कि दूसरे प्रदेशों में चुनाव हैं लेकिन उत्तर प्रदेश के से प्रत्याशी दूसरे प्रदेशों से कांग्रेस उतार रही है, इमरान प्रतापगढ़ी को वहाँ भी चुनाव है 2023 में, लेकिन वहाँ से भी उनको उतार रही है, तो आप समझिए। इधर समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी भी अपना गणित ओबीसी और मुस्लिम ट्रंप जो है वो खेलने का काम कर रही है, अपने जो सहयोगी दल है खासकर राष्ट्रीय लोक दल, उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको लेकर के उनको भी राज्यसभा पहुंचाने का भेजने का काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो 80 सीटें हैं उसमें सबकी सेंधमारी है, कहीं ना कहीं हर दल चाह रहा है कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में कितने ज्यादा वो मजबूती से चुनाव लड़ पाएंगे। आपके हिसाब से भारी कौन लग रहा है इस पर? देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में भारी है, ये आप भी जानते हैं, चूंकि कितनी सीटें पिछले अभी चुनाव हुए 111 पे कांग्रेस 111 पे सिर्फ समाजवादी पार्टी रह गई, 2 सीटें सिर्फ कांग्रेस जीत पाई, तो बीजेपी तो भारी है ही है, बीजेपी 7 सीटों पर सीधे तौर पर चुनाव जीत रही है, ये तो आप भी जान रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चूंकि लगभग ये माना जाए 37 सीटें, ये माना जाए कि 8वां कैंडिडेट भी उतारेंगे, उतार सकते हैं अभी तो, चूंकि 8वां कैंडिडेट भी आ सकता है, जोड़ तोड़ के क्या होता है आगे चल करके, लेकिन अभी अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन 7 सीटें तो इनकी लगभग फाइनल है। ठीक है, आरिफ खान क्या कहना चाह रहे थे आप भाई, बीच बीच में सबके बोल रहे हैं, क्या कहेंगे बताइए? मैं अभी सुन रहा था अपने साथियों ने समाजवादी पार्टी के, ये हमको बता रहे थे, आपका कहना सही भी है, क्योंकि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सार्वजनिक तौर पर विधानसभा के अंदर वो करके दिखाया, नहीं वो सपा से नहीं, आरएलडी से हैं। नहीं, जो साथी बोल रहे थे, हाँ, आरएलडी वाले साथी, समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव जी ने जो शब्द इस्तेमाल किया है पूर्व उप मुख्यमंत्री जी के लिए, ये क्या है? ये क्या भाषा नहीं है? मतलब अगर हम चोर मौसेरे भाई कह दें तो इनको तकलीफ है, और वो विधानसभा में भाप भाप बोलेंगे वो जायज, पहली बात तो अब इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया भाषा को लेकर के, क्या कोई कंपटीशन उत्तर प्रदेश में छिड़ा है क्या कि कौन कितनी भाषा गिराएगा?
भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने के सिवा इन पार्टियों के पास कोई काम नहीं रह गया। जनता की आवाज नहीं आ रही आपकी। ये सिर्फ अपनी बात करते हैं, सिर्फ अपने भले की बात करते हैं। जनता मुख्य धारा से जुड़ने का काम कर रही है। उसको अपने घर का परिवार का पालन पोषण चाहिए। वो माननीय मोदी जी और योगी जी डबल इंजन की सरकार से जुड़कर अपने परिवार के चेहरों पर कुदारी लाना चाहते हैं। लेकिन ये लोग देश में आपसी भाईचारे को तोड़ने वाले लोग आज भारतीय जनता पार्टी को जो है कुछ संदेश देना चाहते हैं। अरे आप तो वो हैं कि जिन पर भरोसा किया गया था उन्होंने ही जनता के नीचे से जमीन खोद दी। जनता ने आप पर बहुत भरोसा किया। ठीक है। अच्छा एक सवाल मयंक में आ रहा हूँ, इसके बाद आ रहा हूँ आपके पास। मयंक में इसके बाद आपके पास आ रहा हूँ। अरे भाई रविंद्र जी हैं आरएलडी से, जिनके सवाल पे आप भड़के हुए थे, वो कह रहे हैं कि मेरा एक सवाल था किसानों वाला, उस पर आपने कुछ नहीं बोला। क्या सवाल था? रविंद्र भाई सवाल दोहरा दीजिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ बड़ी अदब के साथ आर्य भाई कि आपके इस वर्तमान बजट में किसानों के लिए कितने प्रतिशत का योगदान है सभी क्षेत्रों को मिला के? अभी तक जो चल रहा था उसमें बढ़ोतरी हुई है। 7.5 लाख करोड़ रुपया कर दिया गया। आपने अगर देखा होगा लिखा पढ़ी में है, आप इसको पकड़ें और समझें। पहले पढ़ लें। आप लोग सिर्फ बजट में मुद्दे कुल बजट का किसानों के लिए जो व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने की। सवाल सुन ले बड़े अदब के साथ कह रहा हूँ। मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। मैं ये पूछ रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान बजट में किसानों के लिए योगी सरकार ने कितने प्रतिशत का अंश दान किया है, मैं ये जानना चाहता हूँ एक शब्द में। अरे हमसे आप जानना चाह रहे हैं बेहतर है, लेकिन आप ये बता दीजिए हमको, आपको ये जानकारी जो आप जो सवाल पूछ रहे हैं इसके बारे में आपको क्या जानकारी है? अरे भाई सुनिएगा, मैं बोलता हूँ, सुनिए मेरे, मैं उत्तर दे रहा हूँ आपको। उत्तर प्रदेश, अरे भाई देखिए, धर्म के नाम पे आप हमसे आगे निकल सकते हैं लड़ करके, लेकिन निश्चित जानिए कि किसान राजनीति, तो किसान राजनीति के लिए जो प्रतिबद्धता राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं की रही है, उनके कार्यकर्ताओं की रही है, उस पे कहीं किसी को संशय नहीं होना चाहिए। मैं बताना चाहता हूँ आपने जोड़ तोड़ करके धार्मिक उन्माद फैला करके आपने सत्ता प्राप्त कर ली, लेकिन आप आंकड़ों पे गुमराह नहीं कर सकते। भारतीय किसानों के लिए, उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए योगी जी ने पिछले बजट से कम का प्रावधान किया है, ये एक नोटिसेबल बात है, इसको नोटिस करिए आप और इसका जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश के किसानों ने आपको वोट दिया और उनका उनके उनका जो भी अंश था उसमें आपने कम कर दिया। 2.8% आपने पूरे बजट का दिया है सब किसानों को, सभी स्रोतों से खेत खलिहान मिला करके। कानून पास हुए हैं, गलत है, वो गलत कानून पास हुए हैं। और इस देश में 6% किसानों का आपके जो आपका जीडीपी था उसमें 6% का योगदान था, उसमें भी गिरावट कर दिया आपने। ये तर्क का विषय नहीं है, ये समझने का विषय वस्तु है कि गुमराह करने से नहीं चलेगा। प्रदेश को जवाब देना पड़ेगा, प्रदेश की जनता को जवाब देना पड़ेगा। हिंदू मुस्लिम ज्ञान व्यापी मथुरा काशी तुजालय कुतुब मीनार, इससे आप वोट प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जनता को भरपेट भोजन नहीं दे सकते हैं। आप जो पुराने, जो सुनिए सुनिए अरे भाई, जो पुराना, अरे भाई सुन लीजिए, अरे भाई सुन लीजिए, जो आपका पुराना, जो पुराना चुनावी एजेंडा था उसको पढ़ लीजिएगा, उसमें कितने काम पूरे किए हैं उस पर भी जवाब देना चाहिए आपको। और सुनिए, आप सरकार है, सवाल आपसे पूछा जाएगा, हमसे नहीं, या मयंक यादव से नहीं, या तिवारी जी से नहीं, सवाल जनता पूछती है सरकार से, और आप सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे यहाँ बैठे हैं, जवाब देना पड़ेगा आपको। मेरा सीधा सवाल था कितने प्रतिशत है, और जब आप टीवी चैनल बैठे तो पूरी तैयारी के साथ बैठे, वरना हम जैसे लोग सवाल पूछेंगे और पूछ के रहेंगे। आप लोग सिर्फ ऐसे ही चिल्लाइए पुकारिए, जनता की कोई बात मत कीजिए। इसके जनता साहब जिसको दुख होता है वो चिल्लाता है। ठीक है, आप तो मलाई मार रहे हैं। 2024 में ऐतिहासिक जीत होगी, जो मैं आपसे वादा करता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। ठीक है, 2024 में ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत होगी। ये सब ऐसे मुंह बजाते रह जाएंगे, धर्म
भाईचारा तोड़ने के सिवा कुछ नहीं आता। ठीक है हरी भाई, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और पार्टी के ऊपर सिर्फ आरोप लगाने के सिवा ये कुछ नहीं। ठीक है, ठीक है हरी भाई, मैं क्या, तो क्या कह रहे थे आप? मैं आरिफ भाई को बड़े ध्यान से सुन रहा था लेकिन इतना ज्यादा बोल गए कि सारी बातें नहीं समझ पाया। और आरिफ भाई जो कह रहे थे कि जयंत जी ने किसानों के लिए क्या किया, मैं आरिफ भाई की उस बात का जवाब दे दूं, जयंत जी ने किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी की लातियां खाई है, ये पूरा उत्तर प्रदेश देखा है, पूरा देश देखा है। और दूसरी बात मैं इनको ये बता दूं कि जो लोग कहते हैं किसानों के लिए ये कर दिया वो कर दिया और जवाब नहीं दे पाएगी, बजट भी किसानों के लिए क्या है, आरिफ भाई ने होमवर्क नहीं किया। आरिफ भाई क्या योगी जी, मोदी जी, वित्त मंत्री जी, कोई भी इसका जवाब नहीं दे पाए क्योंकि कुछ किया ही नहीं, जवाब कहां से देंगे। और उसके बाद बात आती है भारतीय जनता पार्टी के, अभी समीकरणों की बात हो रही थी, जाति का समीकरण साधे गए। मैं एक जवाब जानना चाहूंगा समाजवादी पार्टी गठबंधन दलों की तरफ से जयंत जी को ओबीसी और जात चेहरे के तौर पर राज्यसभा भेजा गया। मैं भारतीय जनता पार्टी से एक जवाब जानना चाहूंगा, आज जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी और गठबंधन दलों ने जयंत जी को राज्यसभा भेजने का काम किया, जो जाट उत्तर प्रदेश जाट के एक बड़े नेता है, वहीं पर दूसरे बड़े नेता राकेश टिकैत जी को भाजपा शासित कर्नाटक में भाजपा ही गुंडों ने माइक से मारा, उनका स्याही देखी, उनका जानलेवा हमला किया। भारतीय जनता पार्टी ये बताए, ये भारतीय जनता पार्टी जाट और ओबीसी को अपना दुश्मन क्यों मानती है? दूसरी चीज जो अभी लंबी चौड़ी बातें हो रही थी, भारतीय जनता पार्टी ने ये भेजा वो भेजा, ठीक है भाई, सबसे समीकरण उनकी सीटें ज्यादा है, ज्यादा लोगों को वो भेज रहा है, लेकिन कॉम्बिनेशन की बात आती है। आप भारतीय जनता पार्टी के भी गठबंधन दल है, अनुप्रिया जी है और विकास साहब है, क्या मिल रहा भैया इन लोगों को, क्या कर रहे हैं वहां बैठ के? कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ इन लोग वहां बैठ के ढोल बजा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन दल के साथियों का पूर्ण सम्मान करती है। मैं तो देखता हूँ कि सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता अपने गठबंधन दल के नेताओं की तारीफ तक करने में नहीं सकते हैं या तारीफ ना ही करते हैं, अगर कभी कर दिया तो उनको हिचक होती है। हम लोग भी खोल से सीधा फट से कहते हैं, अपने गठबंधन दल के साथियों का पूरा सम्मान करते हैं, उनकी आवाज उठाते हैं, अगर वो कोई अच्छी बात कहते हैं। आज आप लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा होगा पल्लवी पटेल जी का भाषण जो उन्होंने सदन में दिया, समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उस सदन के उस भाषण की तारीफ कर रहा है, उसको सोशल मीडिया पर शेयर कर रहा है, लोगों में बैठकर उस बात की चर्चा कर रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वो सिर्फ मैं भारतीय जनता पार्टी का मैं आज नहीं कल खत्म तो होगा ही होगा। भारतीय जनता पार्टी का जो गुरूर है ये जनता तोड़ेगी। और किसानों के लिए ये लोग कितना चिल्लाते हैं, आरिफ साहब सब कुछ चुके ही नहीं हुए, लेकिन भाई मुद्दे की बात है मेरे बेटे आरिफ साहब ने कि कितना क्या किसानों को दिया गया है। आरिफ साहब जवाब आप क्या पूरी भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पाएगी? ठीक है, ठीक है, ठीक 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 है। दूसरी चीज, हाँ जल्दी से पूरी कीजिए। मैं ये कहना चाहूंगा ये लोग जो बैठ कर ये बताते हैं कि आजम खान साहब गुस्सा है, शिपाल चाचा गुस्सा है, जयंत जी गुस्सा है, 19 अप्रैल को चाचा को ये लोग भाजपा ज्वाइन करा दे रहे थे, आजम साहब जेल से निकलते ही अन्य पार्टियों में जाने वाले थे, जयंत जी का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से होने वाला था, तो ये लोग सिर्फ बहकावे कौन गया भाई? एक आदमी बतावे कि हमारे गठबंधन के एक साथी को ले पाए हो, हमारे गठबंधन के साथी जितने हैं वो बहुत ही अपने आप में मजबूत है, उनकी विचारधारा मजबूत है, ये निकलने वाली विचारधारा संजय निषाद जी जैसी नहीं है, ठीक है। ये लोग हमारे यहाँ पर तोड़फोड़ मचाने की आवश्यकता नहीं, पहले अपना कर देखें, जो मोदी और सॉरी योगी और अमित शाह में खनी हुई है कि 2024 में चेहरा कौन रहेगा, ठीक है, बड़ी लंबी खनी भैया इन लोगों में, इस चीज पर भी चर्चा होनी चाहिए। ठीक है, मैं जवाब लेता हूँ। आरिफ खान सुन लिया आपने मयंक यादव की बातें, क्या जवाब है? हम जवाब अगर देने लगते हैं तो ये भड़कने लगते हैं। नहीं आप देखे तो देखिए, क्यों भड़केंगे, सही चीज बोलिए। ये हमारी पार्टी के ऊपर आरोप पे आरोप लगा रहे हैं। अगर ये सीधे सीधे ये बात बता दें कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया, व्यापारियों के लिए कुछ नहीं किया, जनता के लिए कुछ नहीं किया, तो ये 2022 में ऐतिहासिक जीत कैसे हो गई? जनता ने इनको नकार क्यों दिया? अगर इन्होंने कुछ किया था, इनकी आवाज, इन्होंने जनता की आवाज उठाई, किसानों की आवाज उठाई और लोगों की आवाज उठाई, तो लोगों ने इनको नकार क्यों दिया? अगर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किया नहीं,
तो भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार कैसे बना ली? 2014 से लगातार भारतीय जनता पार्टी जीत कर कुछ किया है, तभी तो जीत हो रही। जो करता नहीं है वही तो पीछे जाएगा। मयंक यादव कह रहे हैं, अरे भाई मयंक यादव कह रहे हैं बसपा के सपोर्ट से आप लोगों ने सरकार बना ली। हमने बुआ बबुआ किसको कहा गया? बुआ बबुआ किसको कहा गया? भैया भैया कौन है? प्लानिंग तो इनकी सबकी चलती है। हम लोग सेंधमारी आप कर देते हैं। देश देश के सम्मान सर्व समाज के लोगों को एक प्लेट भांग को लाने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग, हमारे सम्मानित नेतागण माननीय मोदी जी ने सर्व समाज की बात की। छोटे को छोटा, बड़े को किस तरीके का जो लेबिल था जिसका उस तरीके उसको समझा है। ऐसा नहीं कि हमारे कुछ जात पात की बात हुई। हमने राशन दिया सबको, दिया कॉलोनी दी गई सबको, दी सभी जात पात की बात नहीं करी। इनके यहाँ यादव और उनके कांग्रेस पार्टी वाले में जहाँ तोड़ने वाले लोग बहुजन समाज पार्टी में, तो आप जानते हैं कि इनको आए तो इनका सबका अपना अपना प्लान है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक प्लान सर समाज को एक प्लेटफॉर्म बनाना, जाति धर्म के लोगों को दूर करना और सबका साथ सबका विश्वास और सबका सम्मान सब काम करके भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है। ठीक है, प्रदीप तिवारी जी हैं। प्रदीप जी, सुना आपने आरिफ खान की बात, उन्होंने कहा कि हम जनता के मुद्दों पर काम करते हैं और जनता के मुद्दों पर ही काम करते रहेंगे, 24 में फिर जीतेंगे, लिख लीजिए आप। ये भारतीय, मैंने शुरुआत में ही बताया, भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव जीती है इस बात से कोई गुरेज नहीं कर सकता कि इस पूरे प्रदेश में जो आबादी है हिंदू आबादी वो ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, और मुस्लिम आबादी कम है। तो भारतीय जनता पार्टी उसी को अपना हथियार बना करके चुनाव लड़ रही है, वो उसी चीज में सक्सेस हो रही है और उसी ने उसको अपना हथियार बना लिया कि किसी तरीके से, मैंने पहले बताया कि इनका पूरा नीति इसी पे है कि किसी तरीके से हिंदू मुस्लिम करो और चुनाव जीतो। मगर इनको ये नहीं पता कि जो गोरे अंग्रेज थे उन्होंने ये किया, उनके समय का एक समय आया कि लोग जब प्रताड़ित हुए और एक तरफ से उनको भगाने का काम किया तो वो इस देश में टिक नहीं पाए, भागने उनको समझ में नहीं आया कि कहाँ भाग के जाएं। वही हाल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का होने वाला है। आपने देखा होगा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की नीतियां रही, एक एक करके हर एक संस्थान को पूछते हैं कि कांग्रेस ने किया क्या, कांग्रेस के बनाए हुए हर एक संस्थान को बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। आपने देखा होगा ये एक समय आएगा, कह तो देते हैं कि हम तो भाई सन्यासी हैं, झोला उठा करके चल देंगे। कहने में तो आसान है, झोला उठा करके आप तो चले जाओगे, देश का बंटाधार कर दोगे, पूरे देश को पूरा बेच दोगे, उसके बाद झोला उठा करके चल दोगे, विदेश में जा करके आराम से रहोगे। मौसम क्या किया, श्रीलंका की हालत देखी होगी आप लोगों ने कि क्या हो गई। वही हाल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का होगा, एक समय वो जरूर आएगा जब इस प्रदेश का और देश का जो जनमानस है वो जागृत जरूर होगा, वो इनकी जो लक्ष्यदार बातें हैं, जो इनके जुमले हैं उनसे उब जाएगा, हिंदू मुस्लिम की राजनीति से ऊपर आ करके हट करके देश का मानस जो है वो वोट करेगा और इनको इस देश से, इस प्रदेश से, हर जगह से सत्ता से बाहर करने का काम इस देश का व्यक्ति करेगा। ठीक है, आरिफ खान जवाब है। मैं आरिफ खान भारतीय जनता पार्टी का समर्थक। क्या है भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा क्या किया जो मुस्लिम समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी की पढ़ाई कर रहे हैं? कुछ किया है ना, तभी तो कर रहे हैं। सर समाज को सम्मान दिया, जो सम्मान दिया हमारी कौम को सम्मान दिया, ये समाजवादी पार्टी के लोग इसी चुनाव में देखा गया, मंचों से भगा दिया गया मुल्ला मौलाना को, मुस्लिम समाज के लोगों को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम समाज को सम्मान देने का काम किया। अभी उत्तर प्रदेश में मंत्री बनाए, हमारे दानिश अंसारी जी को मंत्री बनाया, ये क्या है, ये सम्मान है। इन्होंने क्या किया, कपिल सिंबल को तोड़ के लिया कांग्रेस से, समाजवादी पार्टी से मिलकर उनको राज्यसभा भेज रहे हैं। प्रदीप जी क्या कह रहे हैं? अरे भाई प्रदीप जी कुछ कह रहे हैं? वही कह रहा हूँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप जैसे लोगों का सम्मान हो रहा है, जैसे आरएसएस के कुछ गद्दार लोग थे जिन्होंने अंग्रेजों की जाकर के गुलामी करी थी और अंग्रेज उनका सम्मान करते थे, उनको पेंशन देने का काम करते थे, वही काम हो रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति गुलामी करेगा, उनके खिलाफ कोई क्वेश्चन नहीं करेगा तो उसका तो सम्मान होगा, मगर अगर कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ क्वेश्चन कर देता है, कहीं पे कोई कुछ चीज उनके उनके खिलाफ लिख देता है तो उसको उठा करके वो जेल में ठूसने का काम करते हैं। आप भूल गए होंगे कि आप ही के समाज के कितने लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने बिना दोष के जेल में ठूसने का काम किया है। जाति विशेष को लेकर के टारगेट करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जेल जाएगा, आप लड़का को गलत करेगा जेल जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा।
जो गलत लिखेगा, जो गलत बात करेगा जेल जाएगा। क्या हुआ भाई, यहाँ से लेकर के मुंबई में आपके केंद्र में सरकार ईडी ने क्या किया, आप क्या एनसीबी ने क्या किया, एनसीबी क्या किया है आपको मालूम होगा। आप देखिए किस तरीके से आप बाहर बिना दोस्त के निकल के आए हैं ना, आपको पता होगा आप ही की कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, किस तरीके से कम्युनिटी को टारगेट करके किया गया, कुछ कर रहे हैं, क्या कार्रवाई कर रहे हैं एनसीबी के अधिकारियों के ऊपर, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अब सर्व समाज की बात होगी, एक प्लेटफॉर्म की बात होगी, मुख्य धारा से जुड़ने की बात होगी, ये सिर्फ जुमलों में ही होगी, ये सिर्फ जुमलों में ही और भाषणों में अच्छा लगता है, भारतीय जनता पार्टी के जुमलों और भाषणों में ही अच्छा लगता है कि हम सर्व समाज की बात करेंगे। ठीक ठीक ठीक, धरातल पे कुछ भी नहीं, धरातल पे शून्य नजर आता है। आप यूं ही चिल्लाइए कि धरातल पे कुछ नहीं है, आप बाहर निकल के देखिए कि आप जो देखना चाहते हैं वो आप देख नहीं रहे हैं, और जो आपको नहीं देखना चाहिए वो आप देख रहे हैं। मैं पहले बता चुका हूँ, कांग्रेस पार्टी विरोध करे, कांग्रेस पार्टी कुछ, कांग्रेस पार्टी को तो कुछ देखना नहीं चाहिए, कांग्रेस पार्टी को आपकी गलत नीतियों के खिलाफ आप पे पट्टी बांध लेनी चाहिए। आप पेट्रोल का दाम बढ़ाते जाइए, कांग्रेस पार्टी को विरोध नहीं करना चाहिए। आप गैस सिलेंडर का दाम बढ़ाइए, कांग्रेस पार्टी को विरोध नहीं करना चाहिए। आप किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा करके उनकी हत्या कर दी है, कांग्रेस पार्टी को विरोध नहीं करना चाहिए। थाने में बेटियों का बलात्कार करते हैं आपके थानेदार, कांग्रेस पार्टी को विरोध नहीं करना चाहिए। आप चाहते क्या है, आप क्या ठीक है, ठीक भारतीय जनता की पार्टी का ठीक है। अरे भाई, अरे भाई रविंद्र जी, देश के साथ है, देश पहले है, देश सब कुछ ठीक है। आरिफ खान, आरिफ खान तोड़ने काम किया, ठीक है प्लीज। अरे भाई हो गया शांत होइए, आपने दंगा फसाद कराने का हो गया भाई, जवाब आ गया। अरे भाई ये रविंद्र सिंह पटेल आरएलडी से हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे। हाँ अरे भाई, व्यक्तिगत मेरा विरोध ना आपसे है, ना आदरणीय योगी जी से है, ना आदरणीय मोदी जी से है। जो सरकार की गलत नीतियां होंगी उनके खिलाफ हम मुखर होकर आवाज उठाएंगे, और उस आवाज पर आपको प्रत्युत्तर करना चाहिए। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, और इसी लोकतंत्र ऐसे ही सोच के साथ लोकतंत्र की स्थापना की गई थी। जैसा कि आप कह रहे थे कि मेरा समाज और मैं हूं, तो क्या आप ये पूरे दावे से कहते हैं कि आपका जो संपूर्ण समाज है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है? संपूर्ण समाज तो किसी पार्टी के साथ नहीं होता। तो मैं इसका जरा मैं बोल दूं, इसके आगे बोल दूं, जैसे कि जब जब हम बताएं, जब मुगल, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं, जब अकबर की सेना में मानसिंह, तानसेन ऐसे बहुत सारे हिंदू दरबारी थे नवरत्नों में उनके, तो हो सकता है कि आज के ये आधुनिक जो अकबर हैं, जो आधुनिक ये मोदी जी हैं, इनके आप भी दरबारी हैं, उससे ज्यादा और कुछ नहीं है। चूंकि आप सुनिए, आप व्यक्तिगत पोषित हो सकते हैं, आपको व्यक्तिगत लाभ पहुंच सकता है, आपके समाज के चंद लोगों को लाभ पहुंच सकता है, लेकिन सर्व समाज का जब लाभ होगा तब जाके कहीं लोकतंत्र की परिकल्पना पूर्ण होगी। मेरी बात सुनिएगा, मैं आपको सुन रहा था। समाज किसको कहते हैं, इस बात को आपको पता होगा, सर्व समाज के लोगों को, मुस्लिम समाज के सर्व समाज के लोगों को, अल्पसंख्यक समाज, उसमें मतलब हमारे अंसारी बिरादर के लोग, मंसूरी, पठान लोग। देखिए आज का डिबेट, आज का डिबेट भटक रहा है। मैं आज आप मोदी जी के साथ में है, इनका गरीब कमजोर, बहुत अच्छी बात है, लोगों का भला। ये आपकी दलीय प्रतिबद्धता से मैं प्रसन्न हूँ। व्यक्तिगत तौर पे मैं आपकी सराहना करता हूँ कि जिसके साथ है खुले कंठ से है, खुले मन मिजाज से है। लेकिन मित्र, मैं इतना भी निवेदन करूंगा कि आप रहिए, लेकिन तार्किक बन के रहिए। मैं इस भारत देश का एक नौजवान हूं, चार अक्षर मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाए हैं, और उनके पढ़ाई लिखाई के योगदान का ये प्रतिफल है कि मैं खुले मिजाज से ये बात को कहता हूं कि निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश का ये वर्तमान बजट किसान विरोधी है, और उत्तर प्रदेश और देश की सरकार किसान विरोधी है, अन्यथा एक साल से ज्यादा समय किसान दिल्ली को घेर के ना बैठता। दूसरी बात देखिए, चुनाव जीत जाना, चुनाव हार जाना, यह किसी के लोकप्रियता का पैमाना नहीं है। लोकतंत्र में एक परंपरा बनाई गई है, उसका हम सम्मान करते हैं। हमने स्वीकार कर लिया, हमारे नेता ने स्वीकार कर लिया कि हम चुनाव हार चुके हैं, जो सरकार चुन के आई है उसका सम्मान है। लेकिन जनता के मुद्दे पे, जनहित के मुद्दे पे, युवाओं के मुद्दे पे, महिलाओं के सुरक्षा के मुद्दे पे, दलितों के सामाजिक न्याय के मुद्दे पे हम संघर्ष करेंगे, और हमारे सवाल होंगे आपसे, और आपको उत्तर देने पड़ेंगे। ठीक है, चाहिए संघर्ष करना चाहिए, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार पार्टी बन के उभरे हैं, हम लोग आए 2014 के बाद, माननीय मोदी जी ने बागडोर संभाली। आप किसी मुद्दे उठा लीजिए, अगर महिला की बात करेंगे तो हमारी सरकार में महिलाओं को बड़ा सम्मान दिया गया है। ऐसा नहीं है, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने वाले, महिलाओं का अपमान करने वाले, महिलाओं को
जो है गंदी निगाह से देखने वाले। अलीगढ़ के दलित बालिका के साथ क्या हुआ, न्याय मिला? अरे क्या आपकी जब सरकार थी क्या होता, ऐसा है घटना है झांसी में जो लड़की को जला दिया गया, जो थाने में सामूहिक दुष्कर्म किए गए घटना, उनको न्याय मिला? अभी हम लोग डिबेट में, घटना तो कभी घट सकती है, घटना को कोई कुछ नहीं सकता, लेकिन कानूनी कार्रवाई बहुत बड़ी चीज होती है। आपने उस पर क्या कार्रवाई की यही बता दीजिए, क्या दोषी पकड़े गए? कार्रवाई होगी, पकड़े जाए, सब जेल भेजे जाएंगे। जो हाईवे पे, यमुना एक्सप्रेस हाईवे पे जो बलात्कार किए गए, दुष्कर्म किया गया एक परिवार के साथ, उन पे न्याय मिला, दोषी पकड़े गए? आप उस विवेचक से पता कीजिए जो उस घटना की विवेचना कर रहे हैं कि वो क्या काम कर रहे हैं। देखिए कि हमारी सरकार के लोग नेतागण हमारे पूरा दबाव बना रहे हैं कि उनको अपराधियों को पकड़कर तत्काल जेल भेजा जाए। महोदय आप लोगों को भी दबाव बनाना पड़ रहा है। अरे भाई कानूनी दांव पेच है ना भाई, कहना पड़ता है, जादू तो है नहीं कि बस तुरंत खींचा हो गया। आप सिर्फ एक काम कर रहे हैं जो असंवैधानिक है, और वो है आपका बुलडोजर। आपने थ्रेट देके, आप डरा करके, आप धमका करके, आप धौस के बल पे सरकार को चलाना चाहते हैं। आप विपक्ष का कोई नेता मुखर होकर बोलता है तो उसको बुलडोजर दिखाते हैं। ये असंवैधानिक है और इसका इस दुरुपयोग का भी जरूर चलेगा, बुलडोजर नहीं रुकेगा, क्योंकि जो गलत काम करेंगे ठीक है करेंगे, बुलडोजर जरूर चलेगा और चलना चाहिए। ठीक है प्रदीप जी, 10 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी से। मैं बड़ा हतप्रभ हूँ और विडम्बना है बहुत बड़ी कि सत्ता में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि उनको आईओ के ऊपर दबाव बनाना पड़ रहा है कि सही से जांच करें। भाई सवाल लोग आपसे करते हैं कि आप सरकार की तरफ से हैं, आपको जवाब देना चाहिए, आपको बताना चाहिए कि क्या काम है। लगा दिया गया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का थाने में प्रवेश वर्जित, इसका क्या मतलब है? क्या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दलाल है? क्या थाने की दलाली करता है? इसका जवाब भी अब दीजिए, नहीं तो उस थाना अध्यक्ष को निलंबित करिए जिसने लिखा कि थाने में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रवेश वर्जित है। ये आपको उस थाने के इंस्पेक्टर सवाल जवाब करना चाहिए। ये सब पार्टी को बदनाम करने वाले लोग हैं, ये सब सियासत है। और जब वो बैनर पकड़ा गया तब वो सब भागे और उसमें से कोई पकड़ा। अरे भाई मौज ले रहे हैं, इस टीवी चैनल की मर्यादा को बना के रखिए। ठीक है, थैंक यू। ठीक है हरी भाई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सुयश मिश्रा, अब आगे की रणनीति और आगे की क्या रोड मैप है ये राजनीतिक दलों के सामने, क्योंकि आपने सबकी बात सुनी, क्या लगता है आगे कैसे क्या होगा उत्तर प्रदेश में और 24 के लिए किस तरह से तैयारी दिख रही है? देखिए अगर 2024 की बात करें तो राज्यसभा चुनाव के जो टिकट दिए गए हैं उन्हीं से लगा लीजिए आप। हर दल ने 2024 को देखते हुए ही, चाहे वो समाजवादी पार्टी, उसने रालोद के साथ किस तरीके से जो अपना गठबंधन किया है उसको और मजबूत करने के लिए उसने पार्टी रालोद के अध्यक्ष जी को टिकट दिया है और उनको जो है राज्यसभा भेजने की तैयारी। अच्छा, ये भी कंफर्म हो गया कि 24 में लोग साथ ही दूसरी रहे। बिल्कुल 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 निश्चित तौर पर इससे ये मैसेज देने का यही पूरा मैसेज इसे जा रहा है कि कहीं ना कहीं अपने जो उनके घटक दल हैं उनके साथ में वो और अपने संबंधों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। वही भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो जितने भी पुराने नेता थे, खासकर ब्राह्मण चेहरे थे, उनको भी और ओबीसी के तमाम चेहरों को उन्होंने राज्यसभा भेजने का काम किया, मुस्लिम अभी तक नहीं है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी हमने आपको बता ही दिया कि दूसरे राज्यों से उत्तर प्रदेश के लोगों को वो मैदान में ला रही है। किसी महिला को नहीं भेजा कांग्रेस ने, किसी किसी महिला को कांग्रेस ने नहीं भेजा, जबकि प्रियंका वाड्रा ने कहा था कि जो है हम महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाएंगे। इसका जवाब नहीं दिया। एक सवाल मैं ये कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को 8 राज्यसभा भेजने हैं, इन 8 राज्यसभा में ये कहते हैं हम सर समाज की पार्टी हैं, इन्होंने एक पिछड़े को भेजा है बाबूराम निषाद जी को, बाकी सारे सवर्ण हैं, ये इनका मूल चरित्र नहीं, एक संगीता यादव को भी भेजा जी, है। हाँ, ठीक है, एक संगीता यादव, एक बाबू निषाद, बाकी 6 सवर्ण हैं, तो जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। नहीं, इस हिसाब से मुस्लिम एक भी नहीं है, मुस्लिम एक भी नहीं है, लेकिन 3 मुस्लिम चूंकि हो सकता है इस बार मुस्लिम को भेज अभी अभी, तो अभी 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 है, अभी है, आगे 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 भेज सकते हैं। आरिफ खान भी जा सकते हैं जी, कम है।
बाकी अगर अगर देखा जाए तो 2022 के चुनाव को लेकर के सभी तैयारी कर रहे हैं, 24 के चुनाव को लेकर के सभी तैयारी कर रहे हैं, सबकी निगाहें 2024 के चुनाव के, क्योंकि 80 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं और निश्चित तौर पर कांग्रेस भी चाहती है कि दहाई के आंकड़े को पार करे या दहाई के आंकड़े में पहुंचे, और समाजवादी पार्टी भी पहले से अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करेगी। वहीं सबसे ज़्यादा जो चुनौती है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है कि उसके जो अपने वोट हैं, जो अपने उसकी सीटें हैं, कहीं उसमें खंडमंडल ना बचे, कहीं उसमें कोई घटे ना वो सीटें, तो इसके लिए भी वो लगातार प्रयास कर रही है। तो चुनाव बड़ा दिलचस्प होने वाला है। राज्यसभा चुनाव जो टिकट दिए गए हैं, कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी उतारे गए हैं उसमें भी कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को देखते मद्देनजर रखते हुए ही प्रत्याशी उतारे गए हैं। ठीक है, आप सभी मानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश में 10 जून को राज्यसभा के चुनाव होने हैं, कैंडिडेट्स लगभग सब जगहों पर फाइनल हो भी चुके हैं और अब तैयारी 24 को लेकर की है, क्योंकि 24 का जो चुनाव है वो बहुत अहम चुनाव है। इसके लिए विपक्ष पूरी तरह से तैयार है। विपक्ष ये कह रहा है कि इस बार ऐसे समीकरण बनाए जाएंगे कि बीजेपी के लिए काफ़ी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन इस तरह की बातें विधानसभा चुनाव के दौरान भी कही गई थी, ऐसा कुछ हुआ नहीं। विपक्ष को और ज़्यादा मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश में लड़ना होगा अगर उन्हें बीजेपी को रोकना है। लेकिन बीजेपी की जो तैयारी है, बीजेपी का जो रोड मैप है, क्योंकि इलेक्शन के बाद से ही वो एक अगले इलेक्शन में लग जाते हैं, उससे कहीं ना कहीं उन्हें काफ़ी मदद, काफ़ी जो तैयारी में जो मददगार साबित होता है उनका ये कदम, ये उसके लिए जो विपक्षी दल हैं उसमें कहीं ना कहीं वो काफ़ी कमज़ोर हैं। तो इस पर भी विपक्षियों को सोचना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल आज के इस डिबेट में इतना ही। मुझे जनपति नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।